दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप पे 30 सेकंड से ज़्यादा वीडियो कैसे अपलोड की जाती है। तो दोस्तों लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे थंबनेल पे लिखा हुआ है खंटा ट्रिक। खंटा ट्रिक मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि दोस्तों इस ट्रिक में एक प्रॉब्लम है जो बाकी यूट्यूबर नहीं बताते। बाकी यूट्यूबर आपको सिर्फ ट्रिक ये ट्रिक बता देते हैं, इसमें कमी क्या है वो नहीं बताते। मैं आपको इस ट्रिक की बहुत बड़ी कमी है जो वो भी बताऊंगा। दोस्तों आपने देखा होगा स्टेटस में जब आप कोई स्टोरी अपलोड करते हैं, कोई वीडियो अपलोड करते हैं, तो 30 सेकंड से ज़्यादा आप स्टोरी अपलोड नहीं कर सकते। तो 30 सेकंड से ज़्यादा स्टोरी कैसे अपलोड करें मैं बताऊंगा, और लेकिन इस ट्रिक में जो कमी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये काफ़ी आसान है, सभी यूट्यूबर इसी तरह से बाकी लोग भी बता रहे हैं आपको इस ट्रिक के बारे में। प्ले स्टोर में जाएं और एक कोई भी वीडियो कन्वर्टर उठा लें, वीडियो टू जिप, जो वीडियो को जिप में कन्वर्ट कर सके। वीडियो यहाँ पे सर्च कर लीजिए वीडियो टू GIF, तो बहुत सारी एप्लीकेशन आपके सामने आ जाती हैं, आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ पे मैं डाउनलोड नहीं करने वाला, मैं आपको सिर्फ बोल के बता देता हूँ। तो डाउनलोड करने के बाद आप अपनी वीडियो को GIF में कन्वर्ट कर लीजिए। GIF में कन्वर्ट करने के बाद फिर चाहे वो 1 मिनट की वीडियो है चाहे 2 मिनट की वीडियो है, वो स्टेटस में अपलोड हो जाएगी। लेकिन दोस्तों घंटा ट्रिक ये इसलिए है, वीडियो तो अपलोड हो जाएगी लेकिन उस वीडियो में आवाज़ नहीं आएगी, तो बिना आवाज़ के कौन इसे अपलोड करना चाहेगा। हाँ अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, लेकिन मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया क्योंकि आपको इस ट्रिक की कमी पता चल सके, इस ट्रिक की प्रॉब्लम पता चल सके। क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर ऐसी हैं जो आपको सिर्फ उल्लू बनाने के लिए पाई जाती हैं, आपको पूरी बात नहीं बताई जाती कि इसमें आवाज़ नहीं आएगी, आप जल्दी जल्दी में जाते हैं, वीडियो करते हैं और काम नहीं करता। हाँ अगर आप बिना आवाज के वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो आपके लिए ये ट्रिक काफ़ी बढ़िया ट्रिक है, तो आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में।